हेलो हाय गाइस, आज हम आप लोगों को एक फ़ैन के बारे में जानकारी देंगे जिस फ़ैन का नाम है सनाटा गोल्ड। ये 65 वाट का फ़ैन है और आप लोग देख सकते हैं इस पे लिखा है 200 वोल्ट अपॉन 230 वोल्ट एसी सप्लाई से ये चलेगा। 50 हर्ट जो है कि इसका जो है फ्रीक्वेंसी है। जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं और मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इस फैन में प्रॉब्लम बस ये है कि ये देखिए ये घूम नहीं रहा है और बाकी ये बाइंडिंग को तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले ये घूम नहीं रहा है कि इस कारण से इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। किसी भी फैन को खोलने से पहले ठोकना नहीं चाहिए, अक्सर मिस्त्री जो है इसको पलट के इस तरह ठोक देते हैं। तो फैन को ठोकना नहीं चाहिए और ठोकने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम ठोक देंगे इस तरह फैन को तो फैन हमारा अंदर से जो पेपर होगा वो जो है कि बॉडी से अटैच हो जाएगा और फैन हमारा शॉर्ट सर्किटेज हो जाएगा। तो इसलिए फैन को ठोकना नहीं चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए एक पेचकस यहाँ लगाएं, एक इसमें लगाएं और इसको थोड़ा सा पुश कर देंगे। ये देखिए आप लोग आसानी से निकल गया। इसके बाद देखते हैं ये नीचे की बैरिंग, इसकी एक नंबर जो बैरिंग है वो तो फ्री है लेकिन ये जो दो नंबर बैरिंग है इसकी आप लोग देख सकते हैं ये घूम नहीं रहे, इसका मतलब ये बियरिंग जाम है। और इसे हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि ये सही है बाइंडिंग इसकी कि नहीं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख लेना है। ये देखिए सुई जो है कि जंप कर रही है इसकी, तो सुई अगर जंप करेगी तो ये सही है। सुई देखिए जंप कर रही है, ये दोनों बाइंडिंग पे इस तरह हमें चेक कर लेना है। अब हमें जो है कि इसका बॉडी अर्थ चेक करना है। ये देखिए बॉडी अर्थ नहीं बता रहा है, तीनों वायरों पर बॉडी अर्थ चेक करना है, बॉडी अर्थ नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है। इसका मतलब सब कुछ सही है, बस सिर्फ ये बियरिंग जाम है। ये देखिए बियरिंग निकालने के लिए हमारे पास एक पुलर है, इस पुलर की सहायता से हम बियरिंग को निकालेंगे। ये देखिए बायरिंग निकल गई हमारी। इस बायरिंग का नंबर भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए बासठ जीरो दो इसका नंबर है, ये लिखा है 6202 RS इसका नंबर है।